ओके 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 चलिए। अब इसके अलावा बच्चों आपको दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पता है होना चाहिए, है ना। पहला है प्रोडक्ट रूल, दूसरा है डिवाइड रूल। अरे एक्चुअली डिवाइड रूल नहीं होता, पता नहीं क्या रूल होता है, मैं नाम मेरे को भूल गया हूँ। पहला होता है क्या, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होके हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। और दूसरा होता है डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी, डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी, ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर या वी का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला लिखे, है ना। फिर मैं आपको समझाता हूँ डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। वो कितने बच्चों को समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो नॉर्मल डेरिवेटिव हम करेंगे। आप लोग स्कूल में डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट फंक्शन, हाँ डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं बच्चों स्कूल में? किस किस स्कूल में पढ़ाए हैं? ओहो नहीं हुआ स्टार्ट। जय हो जय हो। चलो ठीक है, जब होगा तो फटाफट आंसर बोलना पूरा। पहला आंसर तो, हाँ क्या बोले, डेरिवेटिव कोर्स में नहीं है? नहीं देखो कोर्स हो सकता है, अच्छा देखो हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि डेरिवेटिव कोर्स में नहीं होगा, लेकिन 12 में पूरा भर भर के है ना। तो हमको, मैं तो पहले से बोलता हूँ, 11 में आपको कोर्स में क्या है नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 11 में आपको बेसिक सबका पता होना चाहिए, है ना, जो आपको आगे चल के काम आने वाला है 12 चैप्टर 12 क्लास में। नहीं तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम आपको 12 में सॉल्व होगा, अपना तो हम काम बचा लेंगे, हाँ ठीक है भाई डेरिवेटिव नहीं खत्म कोर्स खत्म, लेकिन प्रॉब्लम आपको 12 में स्टार्ट होगा जब डायरेक्ट टीचर लिखेगा डेरिवेटिव ऑफ 10x, डायरेक्ट लिख देगा, आप पूरा बैठे रहेंगे क्या कर दिया मास्टर, ये सब लिख दिए होंगे मेरे हिसाब से ना। आगे बढ़ो बच्चों, चलिए ओके ओके ओके, हेडिंग दे दीजिए बच्चों भाई अभी तो स्टार्ट हुआ भाई, चैनल तो लास्ट में। अरे 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 कैसे भाई, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बच्चों, है ना। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे लिमिट आता है बच्चों, है ना, लिमिट का यूज होता है। तो लिमिट अगर जिनका क्लियर नहीं है बच्चों, मैं आपको हल्का तो बता दूंगा कि क्या तरीका है लिमिट के लिए, जिनका फिर भी कहीं पर डाउट है आप बीच में पूछिएगा। अब डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप लिमिट यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये फॉर्मूला पुट करने से आ जाता है। अब जो बिल्कुल बच्चे लिमिट पढ़े नहीं है या ध्यान पे नहीं है, मैं उनको बस एक रिकॉल करा दूं कि लिमिट कुछ भी दे, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू कुछ भी दे दे, मान लो 2x/3 दे दे, लिमिट का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। कब पुट कर सकते हैं? जब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 × x टेंड्स टू 0 था, तो एक्स के जहाँ पे जीरो डाल दिया, आंसर आ गया 0। पर यही अगर हो जाता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2/3x, तो क्या आप बच्चों इसमें अब लिमिट का वैल्यू पुट कर पाते? सेकंड क्वेश्चन में अब हम क्या लिमिट का वैल्यू नहीं पुट कर पाते, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाता। तो हम उसका फिर दूसरा प्रोसेस या तरीका देखते, ऐसा कुछ सॉल्व करते कि वो जीरो ना हो डिनोमिनेटर, ठीक है, वो हम समझेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ किसी भी फंक्शन का अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, लिख लिए बच्चों। अब देखिए हम करते हैं एक डेरिवेटिव, है ना। क्वेश्चन बोला है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, बाय डिफॉल्ट आप समझिएगा कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है। बोला डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 27 का करो, एक्स क्यूब माइनस 27 का डेरिवेटिव करो, ये बोला है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बच्चों। तो एफ एक्स के जगह पे कितना दे दिया बच्चों, एफ एक्स के जगह पे कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 27, है ना। ये आप ऐसे लिखना नहीं चाहिए, बस ये पहला नंबर, इसलिए आपको समझने कहीं प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 है बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां जहां एक्स है बच्चों, सुन रहे, जहां जहां एक्स है
वहां पे आपको x के जगह पे क्या डालना, डाल देना है x प्लस एच, समझ गए। एफ एक्स में आपको दिया था एक्स क्यूब माइनस 27, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27। देखिए ठीक लिखा हूं कि नहीं बच्चों, एफ एक्स अगर एक्स क्यूब माइनस 27 है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों बात। अच्छा अब बस हम फॉर्मूला पुट करते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या बोला कि भाई डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट डाल दो एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। चलिए पुट करते हैं, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे कितना लिखूंगा बच्चों, जल्दी बोलिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। माइनस क्या है भाई, एफ एक्स, और एफ एक्स मतलब वही कोसिन, कोसिन कितना है, एक्स क्यूब माइनस 27 होल डिवाइडेड बाय एच। बात क्लियर हो गया, पूरा अच्छे समझ में आ गया बच्चों, है ना भाई साहब, समझ में आया कि नहीं सबको, देखो नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। हाँ ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, बढ़िया, अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसे आप एक्सपांशन में डाल दीजिए, एक्सपांड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। देवांश फॉर्मूला बोलो भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ क्या होता है, बढ़िया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि होल क्यूब था तो फॉर्मूला पुट करते हैं, तो हो जाएगा ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, तो 3x² h प्लस 3ab² 3xh² माइनस 27 तो था ही, यहाँ ब्रैकेट खुला तो क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 27 डिवाइडेड बाय एच, ये एक्स क्यूब कट गया, ये माइनस 27 प्लस 27 कट गया। बच्चों क्या मैं इस स्टेप में लिमिट का वैल्यू डाल सकता हूँ, हाँ या ना बच्चों, लिमिट का वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, देखिए देखिए एच का वैल्यू बोला था एच टेंड्स टू जीरो, और अगर मैं यहाँ पे एच का वैल्यू डाल दूं जीरो, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, जो कि हमको नहीं करना है, हमको डिनोमिनेटर कभी जीरो में नहीं लाना है, तो जीरो नहीं लाने के लिए अब प्रोसेस करना है करते हैं, ठीक है ना। तो जीरो नहीं लाने के लिए प्रोसेस क्या होगा बच्चों, हम देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर में हमारे पास तीन टर्म बचा, और तीनों टर्म में एच कॉमन है, तो मैं एच कॉमन ले जाऊं तो मुझे मिल गया h² + 3x² + 3xh डिवाइडेड बाय h, एच एच कैंसिल हो गया। अब क्या मैं यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट कर सकता हूँ बच्चों, अब मैं क्या यहाँ पे लिमिट अब मैं पुट कर सकता हूँ, क्यों भाई, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में मुझे जीरो नहीं मिल रहा है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं मिला तो आप इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट का वैल्यू पुट कर दिए जो कि जीरो था, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 0² + 3x² + 3x * 0, तो आंसर कितना आ गया, 3x² आंसर। ठीक है, हाँ।
हो गया बच्चे, लिख दिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, सब लिख लिए, थोड़ा बहुत समझ में आया बच्चों, 50-60% है ना। नेक्स्ट नंबर देखिए, ओके नेक्स्ट नंबर देखिए, रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ऑफ कोर्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है ना। तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, रूट एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस। चलिए तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। तो पुट करें तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना हो गया, रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, है ना। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है जहाँ पे रूट वगैरह हो, तो आपको समझ में आता है कि आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो रेशनलाइज अगर हम करें तो ये हो जाएगा, रेशनलाइज मतलब न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दीजिए, जरूरी नहीं कि हमेशा डिनोमेटर रेशनलाइज हो। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स बाय रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर बाय एच इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू जीरो, ये जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स बाय एच इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया बच्चों। तो आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाय एच इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ये एच एच भी कट गया। तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाय रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब बच्चों क्या हम यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट कर पाएंगे, हाँ या ना, पुट कर पाएंगे, क्योंकि h का वैल्यू पुट करने से हमें जीरो नहीं मिल रहा। तो हो जाएगा पुट करने के बाद वन बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू वन बाय टू रूट एक्स। ओके समझ में आ गया बच्चों सबको, क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये पहले लिख लीजिए अच्छा से, फिर नेक्स्ट नंबर करते हैं। लगा पाएगा क्या, अब क्या देखेंगे दोस्तों,
ये हो गया बच्चों, लिख दिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे कुछ तो बोलते भाई। हो गया नहीं हुआ। नहीं, करके बैठे थे वो, मैं अपना फोन में लगे भूल गया था, मैं क्लास चल रहा है। क्वेश्चन है अपना एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी। बच्चों एक बार ट्राई करो तो यार, एक बार एक नंबर ट्राई करो, है ना। कुछ बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन एक दो स्टेप भी करोगे ना, उसका फोटो भेजो, है ना। आपके पास है 3 मिनट जिंदगी के, करो। एक दो स्टेप करने से भी चलेगा, है ना। सर्च मत कर लेना गूगल में। एक बात मुझे बतलाने को, क्या लिखा है जी? बेकार बना रहे। आ रहे हैं बच्चों, थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं? हाँ, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, सब ट्राई कीजिए, है ना बच्चों। एक दो बच्चे नहीं, सब ट्राई कीजिए, है ना। होगा होगा। देखिए बच्चों, जिनका दो जन भेजें ठीक है ना। बाकी देखिए, अगर एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है भाई साहब? रूट ओवर ऑफ ए इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी। ठीक लिखा हूँ ना? ये गलती है बच्चों, ठीक लिखा हूँ कि नहीं? एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच डालना है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस एच, ऐसा रख देता हूँ, ठीक है ना। ये एक्स प्लस बी, ये एक्स प्लस बी ऐसा रहेगा, इसलिए साथ में रखा हूँ, एच को अलग से रख दिया, सॉरी एच नहीं ए एच। ठीक लिख लिया, देख लीजिएगा ना फॉर्मूला में अगर हम पुट करें तो ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ठीक है। समेशा देख रहे हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह पे हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस एफ एक्स के जगह पे हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय एच, ठीक है। इसे रेशनलाइज के करते हैं बच्चों, ये तो आपको पता चल रहा है कि रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, है ना। ये सब देख रहा हूँ एक मिनट, हाँ। तो रेशनलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय वही सेम रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब न्यूमरेटर में क्योंकि सेम मतलब ए प्लस बी टू ए माइनस बी का फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच का होल स्क्वायर
माइनस रूट आवर ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाय एच इंटू रूट आवर ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस रूट आवर ऑफ ए एक्स प्लस बी। चलिए रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल, रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिल गया भाई साहब, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, माइनस है तो ब्रैकेट खुल गया, ये हो गया ए एक्स प्लस बी सॉरी माइनस बी बाय एच इंटू रूट ऑवर ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस रूट ऑवर ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल हुआ, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हुआ, तो आ गया क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए एच बाय एच इंटू रूट ऑवर ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस रूट ऑवर ऑफ ए एक्स प्लस बी। अभी एच एच कैंसिल हो गया बच्चों, अब लिमिट का वैल्यू पुट कर दें तो हमको मिल गया ए बाय रूट ऑफ, अब लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते थे ना बच्चों, जीरो नहीं आ रहा था, इधर बचा ए एक्स प्लस बी, इधर बचा ए एक्स प्लस बी, आंसर हुआ ए बाय टू रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी, जिनका ये आंसर आया था एग्जैक्ट वेरी गुड, जिनका नहीं आया जो एक दो लाइन ट्राई किए वो लोग भी वेरी गुड, नहीं, जो ट्राई किए वही बड़ा बात है ना, ट्राई करना इंपॉर्टेंट बच्चों, राइट रॉन्ग सेकेंडरी बात। ए लगा दो, हाँ शर्मिष्ठा, चलिए भाई हाँ करेक्ट कर लीजिए अपना, तो भी आंसर एक ही आएगा, आया कि नहीं, ओह माय गॉड, तब तो रंग आया होगा। अच्छा, करेक्ट कर लो। ठीक है लिख लीजिए बच्चों फटाफट, करेक्ट कर लीजिए है ना, मतलब समझ में आइडिया तो आ गया ना आपको, अब नेक्स्ट नंबर कैसे करना है ना। वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल इतना काम का नहीं है 12 में, है ना, 12 में खाली डेरिवेटिव काम का है, लेकिन 11th में क्या होता है ना, जनरली टीचर फर्स्ट प्रिंसिपल ही डालता है मतलब एनुअल एग्जाम में, क्योंकि आपका नॉर्मल डेरिवेटिव में देखिए चेन रूल है नहीं 11th में, और चेन रूल नहीं होता तो बाकी सारा क्वेश्चन इजी बन जाता है, इतना हार्ड नहीं होता, मतलब लेवल का नहीं होता 3 मार्क के लिए, इसलिए वो फर्स्ट प्रिंसिपल डाल देते। मम्मी किसको, बेटी के किन, अभी तक से नहीं बचे, अभी मारे तो कौन घूम जाए,
कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग सोचे कि बाबा ये घर भूल से ताला तो नहीं मारा, कहीं चले गए तब क्या। फिर बाहर गए से जाली जी थे ना, चले फिट ना हेला तो काली फरमा बनी गान से फरमा में जाली थोड़ा चले फिट करो। हाँ जी सर, सर 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 मेरा तो क्लास है सर, सर 8:30 को खत्म होगा सर। हाँ सर सर हो गया बच्चों, यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई कीजिए एक बार। fx इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2x+3। आंसर आप लोग ट्राई करेंगे एक बार, 2-3 मिनट आप ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। 2 मिनट ट्राई कीजिए बच्चों, है ना। यस, रूट ओवर ऑफ 2x+3। हो रहा है बच्चों थोड़ा बहुत? देवांश बढ़िया। और किसका हुआ बच्चों? देखिए बच्चों, अगर एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2 × x + h + 3, है ना। तो फॉर्मूला डालते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 ×
एक्स प्लस एच प्लस थ्री माइनस रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री बाय एच, ठीक है ना। आप इसे मल्टीप्लाई वगैरह करके भी इसको रेशनलाइज करेंगे तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी ऐसे लिख देंगे चलेगा। ये जाएगा टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस थ्री प्लस रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस थ्री प्लस रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, ठीक लिखा हूँ ना बच्चों। ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ टू इंटू एक्स प्लस थ्री सॉरी एक्स प्लस एच प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बाय, बढ़िया भोजन का आ रहा है आंसर, वेरी गुड, बाय एच इंटू टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस थ्री प्लस रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। चलिए रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ बच्चों, रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आ गया क्या लिमिट एच टेंस टू जीरो जाएगा टू एक्स प्लस टू एच प्लस थ्री माइनस ये हो गया टू एक्स माइनस थ्री बाय एच इंटू रूट ओवर ऑफ टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस थ्री प्लस रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कटा प्लस थ्री माइनस थ्री कटा। ये एच एच वी सिस्टम में काट दूँ बच्चों, ये एच एच यहाँ पे कैंसिल हो गया है ना। तो अब हाँ अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ बच्चों, देखिए लिमिट का वैल्यू पुट करने से मुझे जीरो नहीं मिल रहा है तो मिला क्या टू बाय रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री प्लस रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री तो जगह टू बाय टू रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री टू टू कैंसिल आउट तो आंसर हो गया वन बाय रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। देखिए आंसर ये आया क्या बच्चों, जिन जिनका आया वेरी गुड, जिनका नहीं आया ट्राई किए वो भी वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ था लिख लीजिए बच्चों फटाफट, है ना, ऑलमोस्ट तो हो गया है सबका। स्मृति अध्यासा सोनाक्षी अमित रुचि सनिष्ठा ईशा अदिति शिवानी लिसा सत्यजीत तिपन, बढ़िया मांगो। लिख ले बच्चों चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा तो आप लोग को फॉर्मूला वगैरह का प्रॉब्लम होगा ना,
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का तो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा बच्चों, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैक्सिमम को याद नहीं होगा क्योंकि उनको बिल्कुल याद नहीं है। नेक्स्ट क्लास ये तो करवाऊंगा मैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास आप लोग का एक टास्क है बच्चों, थोड़ा सा ना फॉर्मूला सब देख लीजिएगा, या फिर कम से कम वो पेज निकाल लीजिएगा जहाँ पे आप वो फॉर्मूला निकाल कर लिख के रखे हैं, कम से कम लिख के तो रखे ना बच्चों कि फाड़ फूड के फेंक दिए। बस बस और जिंदगी में क्या चाहिए, तो कम से कम फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूला को उसको थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो ट्रिग्नोमेट्री का दे दूंगा ना बच्चों तो आप लोग को फॉर्मूला के लिए प्रॉब्लम करेगा नहीं होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास हम ये ला क्या बोलते हैं इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे जिसका ट्रिग्नोमेट्री का होगा। अब आ जाते हैं हम नॉर्मल डेरिवेटिव में। नॉर्मल डेरिवेटिव मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, है ना, सिर्फ बोला होगा फाइंड द डेरिवेटिव, तो आप डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया बच्चों डेरिवेटिव ऑफ, अब समझिए बात, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन आज ये नंबर में स्कूल में भी करवा रहा था, है ना, ये क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है आपको बच्चों जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा टर्म प्लस माइनस में होके हैं, तो आप काम कीजिए सब में डेरिवेटिव लगा दीजिए, सब में डेरिवेटिव लगा दीजिए। मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा एक्स का पावर माइनस टू। ठीक लिखा हूँ बच्चों, सब टर्म में डेरिवेटिव लगा दिया, है ना, सुन रहे हैं आप लोग। ओके ओके, जब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर में बात कर रहा हूँ तो ये हो जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन का फॉर्मूला। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है, देखिए फर्स्ट पेज में लिखा है, पहला नंबर वही लिखा था, क्या होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का बच्चों, तो एन के जगह पे कितना है भाई साहब, टू है, तो ये हो जाएगा टू इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन, तो टू इंटू एक्स का पावर वन कितना हो गया टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों कॉस एक्स, है ना। एंड सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर माइनस टू, वो तो कॉस एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला था बच्चों, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर माइनस टू, एन के जगह पे माइनस टू है, फॉर्मूला पुट करते हैं एन माइनस टू इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, माइनस टू माइनस वन कितना मिला माइनस टू इंटू एक्स का पावर माइनस थ्री, मतलब माइनस टू बाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए तो ये लिखे हैं सब, जो जिनको आ रहा था वो लोग लिख लिए ला। बच्चों देखो मैं कैसे तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो होल क्यूब है, होल क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, सॉरी इसे आप एक्सपांड कर दीजिए बच्चों, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब डाल के एक्सपांड कर दीजिए, याद है तो फॉर्मूला, अभी तो कोई बता रहा था मुझे, है ना, एक्सपांड कर दीजिए फिर हर एक टर्म में डेरिवेटिव लगा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ट्राई कीजिए। हाँ
आ गया बच्चों। ओके 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 और किसका भाई साहब? और किसका बच्चों? देखिए इसको अगर हम एक्सपांड कर दें तो हो जाएगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा एक्स का पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 6 प्लस 3 है ना ए स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स का पावर 4। ठीक लिखा हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लगा दूँ तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 6 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स का पावर 6 था मतलब ये हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 6 प्लस 3। देखो बच्चों कॉन्स्टेंट होगा तो कॉन्स्टेंट बाहर ले आना है ना, सिर्फ कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, पर किसी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट बाहर लगा दो, फिर लिख दो डेरिवेटिव ऑफ ये कितना हो रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट था तो 3 बाहर आ गया, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ये कट के यहाँ पे नीचे स्क्वायर आ रहा है ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए तो बच्चों ठीक लिखा हूँ। अब एक्स का पावर 6 है बच्चों, एन के जगह पे 6 है तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, 6 माइनस 1 5, एक्स का पावर माइनस 6 है तो क्या आ जाएगा माइनस 6 इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, 3 तो बाहर ही है बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x हो गया, 3 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 अभी हम निकाले थे कितना होता है माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। ठीक ना, तो आंसर आ गया 6x का पावर 5 माइनस 6 बाई एक्स का पावर 7 प्लस 6x माइनस 6 बाई एक्स क्यूब। देखिए तो आंसर ये आप लोग आया था क्या बच्चों, जिनका जिनका आया देखिए वेरी गुड। तेरी झलक सर्फी ठीक है ना। आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखिए बच्चों है ना, नेक्स्ट क्लास में फिर डेरिवेटिव कंटिन्यू करेंगे, दो तीन क्लास में भी डेरिवेटिव ही करेंगे अच्छा से भर भर के, फिर चेन रूल आएगा। ठीक है देवांश, दो दूसरा क्लास इसके बाद वाला क्लास में चेन रूल स्टार्ट करेंगे। ओके भाई, और कुछ डाउट बच्चों? डाउट मतलब क्या, ये समझ में आ गया तो भाई साहब लास्ट नंबर।